हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी ऑनलाइन टेली प्राइम एजिशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको यहाँ पे आज परचेज सेल विद जीएसटी के साथ डिस्काउंट और फ्राइड चार्ज का यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी बनाएंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपने एक कंपनी टाइप करी, उसके बाद एंटर दीजिए। यहाँ पर एड्रेस टाइप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्टेट ले लिया आपने, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करते जाइए और इस तरह से आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। कंपनी क्रिएट होने के साथ ही आपको एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा, जिसमें अगर आपको जीएसटी के फीचर यस करने हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जीएसटी के फीचर यस कर दिए इस तरह से, और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे नंबर डाल देंगे, जीएसटी नंबर, जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे जीएसटी नंबर, ये आपने जीएसटी के नंबर डाल दिए। के बाद एंटर देंगे, मंथली रिटर्न रिपोर्ट जाएगी आपकी इस तरह से। ये इस तरह से आपने जीएसटी के फीचर एस कर दिए, एंटर दबाते जाइए। ये आपकी कंपनी बन गई। उसके बाद स्टोर डालने के लिए आपको क्या करना है, क्रिएट में जाके स्टोर डालेंगे। यहाँ पे आपने स्टोर डाल देंगे, यूनिट पहले बना लेते हैं। मेरे स्टॉक में वैरायटी नहीं है माल की, इसलिए मैं डायरेक्ट ही बिना ग्रुप के ही आइटम डाल दूंगा। तो मैंने यूनिट सेलेक्ट कर ली यहाँ पे। उसके बाद इसके बाहर आइए, फिर आइटम पे आ जाइए। यहाँ पे आइटम ले लेंगे, यहाँ पे आपने आइटम का नाम डाल दिया, यहाँ पे लिख दिया आइटम। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे अपनी यूनिट ले ली, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यस करेंगे और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। यहाँ पे आप एचएसएन में टाइप कर दिया, उसके बाद एंटर देंगे। यहाँ पे आपको क्या लेना है, टैक्सेबल, टैक्सेबल लेंगे यहाँ पे और एंटर देंगे। 5% ले लिया आपने जो लगती है, एंटर देंगे। इस तरह से आपने आइटम जितना स्टॉक है आपके पास वो आपने लिख दिया यहाँ पे, इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। और एक्सेप्ट पर आएंगे, इस तरह से आपका ओपनिंग स्टॉक शो हो गया। उसके बाद एसके से बाहर आएंगे और लेज़र क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट पे जाकर, यहाँ लेज़र दिया हुआ है, यहाँ पे लेज़र बनाएंगे। जिस पार्टी से आप फर्म से परचेस कर रहे हैं उसका लेज़र बनाएंगे, सिंडिकेटर ग्रुप आ जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और एंटर देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लिया आपने, चाहे से आउट ऑफ स्टेट हो या राजस्थान हो, तो यहाँ पे आप डिटेल लिख देंगे पूरी। यहाँ पे पार्टी के जीएसटी नंबर लिख देंगे जो भी अवेलेबल हो। तो यहाँ पे आपने पार्टी के जीएसटी नंबर टाइप कर दिए। इस तरह से टाइप करेंगे अपने, यहाँ पे एंटर देंगे और एंटर दबा के एक्सेप्ट करा देंगे। फिर एक परचेज का लीजर बनाएंगे अपन, यहाँ पे परचेज ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एंटर देंगे। यहाँ पे अपन जीएसटी अप्लीकेबल कर देंगे, गुड्स ले लिया आपने, एंटर दीजिए, ये हो गया। और इस पर टैक्स जो अप्लीकेबल होगा राजस्थान का है तो एस जी एस टी सी जी एस टी के लिए बनाएंगे। सब ग्रुप क्या आएगा, ड्यूटी रिसेज आएगा। उसके बाद जीएसटी ले लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे स्टेट टैक्स ले लेंगे और एंटर प्रेस करते जाएंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। इसी तरह से सी जी एस टी के लिए बनाएंगे अपन यहाँ पे, इसका ग्रुप क्या आएगा, ये आएगा ड्यूटी टैक्सेस, जीएसटी ले लिए, यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट कर लिया, एंटर देके एक्सेप्ट करा देंगे। अगर ये डिस्काउंट एप्लीकेबल है तो डिस्काउंट के लिए बनाएंगे यहाँ पे, ये देखिए डिस्काउंट के लिए बनाया। यहाँ पे आप ले लेंगे, एक ही बना लेंगे, सेल में भी यूज़ कर सकते हैं अपन, तो इंडा एक्सपेंस ही ले लेते हैं ग्रुप इसका। ये ले लिया और एंटर दीजिए यहाँ पे, नोट अप्लीवल लेके। अगर आप इस तरह से अप्लीवल करते हैं तो डिस्काउंट के बाद जीएसटी नहीं लगेगा, जो बिल बनाओगे तो आइटम पर जीएसटी लगेगा, उसमें से डिस्काउंट कम नहीं होगा। यदि आप चाहते हो कि आइटम की वैल्यू में से डिस्काउंट कम होने के बाद जो अमाउंट हो उस पर जीएसटी लगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम समझने के लिए अप्लीकेबल कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे गुड्स ले लेते हैं, इसको मैं समझाऊँगा। एक्सेप्ट कराया, उसके बाद आप एसके से बाहर आइए, वाउच एंट्री करके देखते हैं। वाउच एंट्री पे आ गए, यहाँ पे एंटर दीजिए, एंटर देने के बाद परचेज के लिए F9 प्रेस करेंगे यहाँ पे और
और एंटर दीजिए, परचेज की एंट्री। उसके बाद यहाँ पे बिल नंबर लिखी दिया आपने, डेट डाली दिया, जिस पार्टी से परचेज करेंगे उसका नाम फीड कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आगे परचेज ले लिया, स्पेस देंगे, यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कितनी क्वांटिटी अपन सेल परचेज कर रहे हैं वो लिख दिया आपने यहाँ पे। इस तरह से अमाउंट है, समझने के लिए थोड़ा फिगर कम लिखते हैं, एंटर दीजिए। इस तरह से ये अमाउंट बन गया। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट लगाते हैं, मान लीजिए डिस्काउंट आपको मिल रहा है, माइनस लिखेंगे डिस्काउंट को, माइनस में लिखेंगे। माइनस लिखने के बाद यहाँ पे आप SGST CGST लगाएंगे। तो कैलकुलेशन के हिसाब से अपन देखते हैं कि SGST CGST किस पे लगा है। 2400 में से रियल में 2400 में से 200 कम होने चाहिए, और जो बैलेंस बचेगा उस पर निकलना चाहिए, जबकि ये दिखा रहा है डायरेक्ट आइटम वैल्यू पे, यानी 2400 पर निकाला है उसने 5%, यानी 2.5% जो है। कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, कंट्रोल कैलकुलेटर ओपन करके चेक कर लेते हैं। जैसे ये 2400 है, इसका निकाला है 2.5 निकालते हैं, क्योंकि 5 का हाफ 2.5 होता है, तो 5% चार्ज लग रहा है, इसे 2.5 लिख दिया आपने। ये देखिए 60, तो यानी इसने जो निकाला है 2400 जो है, इस पर उन्होंने SGST निकाला है ना, और डिस्काउंट का इफेक्ट यहाँ पे पड़ा है। अपन चाहते हैं कि 2400 में से डिस्काउंट कम होने के बाद जो फिगर आएगी उसका SGST निकाले, सही तरीका यही है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे आप बाहर आइए एस्केप से। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अल्टर करना पड़ेगा, लेज़र में अल्टरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेज़र ओपन करेंगे, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस जगह डिस्काउंट का लेज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको नो टेबल लेना है। ये लेने के बाद यहाँ पे GST लेना है, मेथड गुड्स, यहाँ पे दो मेथड है आपको, सभी जैसे बेस्ट होम वैल्यू मेथड ले लिया आपने, एंटर देके एक्सेप्ट करेंगे। ये करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे इसी तरह से फ्राइड चार्ज का भी लेज़र बना लेते हैं। तो फ्राइड चार्ज के लिए भी लेज़र बना लेते हैं, यहाँ पे FRE GST फ्राइड चार्ज लिखा आपने। ये लिखने के बाद एंटर देंगे, यहाँ पे ग्रुप ले लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये इसको भी डिस्काउंट की तरह ही करेंगे, क्योंकि फ्राइड चार्ज माल की वैल्यू में ऐड होने के बाद GST लगेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे नोट लेना है, यहाँ पे GST लेना है, यहाँ पे गुड्स लेके यहाँ पे बेस्ट होम वैल्यू ले लेते हैं, एंटर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। ये करने के बाद अब आप बिल बनाते हैं परचेज का या सेल का। परचेज की एंट्री कर सकते हैं, सेल की भी एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे बिल बनाया आपने, एंटर दिया, यहाँ पे जिस पार्टी से खरीदेंगे उसका नाम सेलेक्ट कर लिया, एंटर दीजिए, यहाँ पे आगे बढ़िए, उसके बाद स्पेस देके आइटम ले लेंगे। यहाँ पे अपन ने क्वांटिटी लिखी, रेट लिख दिया, फिर आगे बढ़ेंगे इस तरह से, और यहाँ पे डिस्काउंट लगा देंगे। ये देखिए डिस्काउंट, डिस्काउंट को माइनस, अगर परसेंट में शो करना है तो डायरेक्ट आप इसे परसेंट में भी डिस्काउंट निकाल सकते हैं, और अगर परसेंट डायरेक्ट फिगर लिखनी है तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं ऐसे। तो ये 50 rupees का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। यहाँ पे अपने SGST शो कर देते हैं, ये देखिए CGST, ये जो इसका इफेक्ट पड़ा, SOC पे इसका इफेक्ट पड़ा, देखिए डिस्काउंट का, तो 5340 rupees में से 50 डिस्काउंट माइनस हो गए, जो बजा बैलेंस उसका निकाला उसने SOC GST। चेक करने के लिए देखिए अभी आप 132.25 दिख रहा है जो SGST है। अगर मैं हल्का सा भी यहाँ पे डिस्काउंट में चेंज करता हूँ, जैसे मैंने 20 कर दिया यहाँ पे, और एंटर देंगे, तो देखना SGST CGST में इफेक्ट आएगा। ये देखिए, इसका मतलब ये है कि डिस्काउंट जो अमाउंट है उसमें से डिस्काउंट लेस होकर जो फिगर आई उसके ऊपर SOC GST चार्ज हुआ है। इस तरह से अभी परचेज की एंट्री कर सकते हैं, इसी तरह से सेल की एंट्री भी हो जाएगी। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, एफर्ट प्रेस करेंगे यहाँ पे, या फिर माउस से क्लिक करेंगे सेल पे, एंटर देंगे, और पार्टी का लेज़र बनाना चाहते हैं तो यहीं पे अल्टर सी प्रेस करके आप पार्टी का लेज़र बनाते हैं, जिसको सेल करना चाहते हैं उसका बना सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप क्या आएगा, पार्टी का सैंडिडेटर आएगा, ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पार्टी की डिटेल लिख सकते हैं, अगर कंज्यूमर है तो कंज्यूमर लिख दीजिए। तो यहाँ पे कंज्यूमर के रजिस्ट्रेशन नंबर होते ही नहीं है, और एंटर दीजिए। और यहाँ पे आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेल ले लेंगे, सेल का लेज़र बनाएंगे, पर यहाँ पे एक सेल का लेज़र बना लेंगे। ये आपने सेल का लेज़र बना लिया, सेल का लेज़र सब ग्रुप भी सेल ही आएगा, एंटर दीजिए। यहाँ पे आप गुड्स ले लीजिए, ये होगी एंट्री, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, आइटम ले लेंगे, जो भी आप
सेल कर रहे हैं वो लिख दिया आपने, एंटर दीजिए, ये आ गया। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिस्काउंट अगर दे रहे हैं कस्टमर को तो आप डिस्काउंट भी शो कर सकते हैं, और यहाँ पे एज ओ सी जी एस टी लगा सकते हैं। इस तरह से सी जी एस टी लगाया आपने यहाँ पे, और फ्राइड चार्ज अगर आप कंज्यूमर से ले रहे हैं, यानी ट्रांसपोर्ट चार्ज भी ले रहे हैं कंज्यूमर से, तो फ्राइड चार्ज का अमाउंट लिख दीजिए यहाँ पे इस तरह से। ये देखिए, तो फ्राइड चार्ज भी देखिए जी एस टी पे फिर पड़ रहा है फ्राइड चार्ज का, यानी 30,000 में से 100 रुपये डिस्काउंट माइनस होकर फिगर आ गई, उस फिगर में 100 रुपये प्लस हो गई, और प्लस होने के बाद पे एस ओ सी जी एस टी चार्ज हुआ। देखिए अगर आप थोड़ा भी चेंज करते हैं यहाँ पे, जैसे 50 रुपीज़ मैंने करा फ्राइड चार्ज, देखिए जी एस टी अभी 750 दिखा रहा है, तो यहाँ पे इफेक्ट आएगा। ये देखिए आप है इफेक्ट, तो ये है, इस तरह से बिल बना सकते हैं अपन। एंटर देखिए एक्सेप्ट करा देंगे इस तरह से। आशा करता हूँ कि आपको सेल और परचेज बिल में डिस्काउंट और फ्राइड चार्ज इस प्रकार से लगाते हैं वो क्लियर हो गया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।